वेलकम बैक टू माय चैनल नव्या स्टडी पॉइंट। तो आज हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आज हम बच्चों को पढ़ाएंगे पर्यायवाची शब्द। तो आप देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द में मैंने क्या लिखे हैं, कितने पर्यायवाची शब्द है। देखो दोनों, देखो जल, जल को हम क्या बोलते हैं दोनों, नीर, अम्बू, सलिल और पानी। जल को हम क्या बोलते हैं, नीर, अम्बू, सलिल और पानी। ज्यादा से ज्यादा याद क्या कर सकती हो, नीर और पानी। कितना सिंपल है, नीर और पानी। जल भी होता है, पानी का आ जाएगा तो क्या लिखोगी, जल और नीर। निरधि वारधि रत्नाकर, निरधि वारधि रत्नाकर। बादल का क्या होता है, मेघ घन और नभ, मेघ घन और नभ। कमल को हम क्या बोलते हैं, पंकज, पंकज बोल सकते हैं, नीरज, सरोज, राजीव। क्या होता है, नीरज, पंकज, सरोज, राजी। रात का क्या होता है, रजनी, निशा, विभावरी। चंद्रमा का क्या होता है, चांद, रजनीश और शशि। सूर्य का दिनकर, प्रभाकर भी होता है, दिवाकर भी होता है और दिनेश भी होता है। और राक्षस का सूरज भी हो सकता है, सूर्य का सूरज भी होता है। राक्षस का रजनीचर, दानव, असुर। आंख का नयन, नेत्र, लोचन, ठीक है ये होता है। पवन का वायु, अनिल, समीर, हवा। पक्षी का क्या होता है, खग, नभचर, पंक्षी, ठीक है पंक्षी बोल सकते हो। अंधेरा का अंधकार, रात, तम। विशेषण किसे कहते हैं, पर्यायवाची तो हो गया, विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा और क्या बोल सकते हैं आप, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण विशेषण कहलाते हैं। अब नूनू क्या है, वही रहो, नूनू क्या है, विशेषण संज्ञा, संज्ञा। नूनू क्या है, संज्ञा। नूनू का बाल बहुत घुंघराला है, घुंघराला। नूनू के गाल बहुत सॉफ्ट हैं, सॉफ्ट, वेरी गुड। नूनू के दांत बहुत छोटे हैं, छोटे, ठीक है। तो विशेषण समझ में आ गया क्या होता है, नूनू का पेट मोटा है, मोटा। समझ में आया विशेषण किसे कहते हैं, अंडरस्टैंड। चलो लाइक सब्सक्राइब। शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना क्या हो जाएगा, क्रिया, ठीक है। जैसे रोहन खेल रहा है तो खेल, वेरी गुड। और क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में देखो क्या होता है, कर्ता क्रिया होते हैं पर कर्म नहीं होता है। वह पढ़ता है तो कर्ता क्रिया, बट यहाँ पे कर्म नहीं है। सकर्मक क्रिया में क्या हो जाएगा, कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित होते हैं। जैसे वह किताब पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, किताब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।